गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल दार्जिलिङ डिभिजनको अनि तकदार रेन्ज फरेस्टको तत्वावधानमा आज यो लामाहट्टा इको टुरिज्म पार्कमा वृहत रूपमा यो विश्व पर्यावरण दिवस पालन गरियो। लामाहट्टामा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म जुन प्लान्टेसन गऱ्यौँ र आज पनि यहाँनिर जति पनि हाम्रो डिग्निटेरिजहरू आउनुभएको छ उहाँहरूको नाममा नै एक एकवटा प्लान्टेड बाई सो एन्ड सो, जस्तै एडिएफओ सर, हाम्रो जोइन्ट भिडियो सर भनेर हामीले लेख्छौँ र अर्को वर्ष पनि आउनुहोस्, त्यो प्लान्ट जबसम्म ठुलो हुँदैन हामी स्याहारेको छौँ। र तपाईँहरूले यहाँबाट जाँदाखेरि हामीले धेरै वर्ष अगाडि यो एजिलियाको प्लान्टहरू, किनभने ठुल्ठुलो रुखहरू यहाँ लगायो भने चाहिँ त्यसले पछि बिगार गर्नु सक्छ हावापानी आउँदा भनेर हामीले एजिलियाको प्लान्टहरू, तपाईँहरूले जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ र अहिले देख्दै हुनुहुन्छ कि हालैमा यो एजिलियाहरू सकि यो हामीले यस्तै विश्व पर्यावरण दिवसहरूकै उपलक्ष्यमा हामीले प्लान्ट गरेको थियौँ र अहिले राम्रो फुल दिइरहेछ। अनि गाउँतर्फ हेर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो गाउँलाई अब बेसी प्लान्टेसन, ओभर प्लान्टेसन भएको जस्तो पनि हामीलाई लागिरहेको छ। जैसे आप सबको पता है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, वाइल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून का, तो मतलब जैसे हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से करते ही आ रहे हैं हमेशा कि मतलब परिवेश को कैसे बचाया जाए, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मेन मोटो यही है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करें, परिवेश को कैसे बचाएं। तो बहुत सारा स्टेप्स हम लोग हर साल ही लेते हैं और बहुत कुछ मतलब नया नया प्लानिंग भी हम लोगों का होता है। तो फिलहाल इस साल के लिए हम लोगों का लामाहट्टा पर्टिकुलरली इको पार्क के लिए हम लोगों का जो प्लानिंग है कि हम लोग इस पार्क को प्लास्टिक फ्री जोन बनाएंगे। तो हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं स्टाफ के साथ भी, यहाँ JFMC मेंबर के साथ भी, और सभी लोग हमारे साथ हैं। तो मैं ये सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़े और ये पार्क जो है इसको प्लास्टिक फ्री बनाने में हम सभी का मदद करें। हम लोग नीचे से जो लोग टूरिस्ट लोग आता है ना दार्जिलिंग से, तो सब जब दार्जिलिंग में आते हैं तो लामाहट्टा सुन के लोग पहले डिसीजन लेते हैं कि हम लोग कब लामाहट्टा जाएंगे। मतलब लामाहट्टा अभी जो एक टूरिस्ट पॉइंट, मतलब इको पार्क है जो ममता बनर्जी रेस्पेक्टेड CM मैम बनाया था 2011 में, उसी के बाद हम लोग इसी साल मतलब थोड़ा रिनोवेट करते करते अभी ऐसा जगह पे पहुंचा है लामाहट्टा इको पार्क। तो अभी दार्जिलिंग में जो लोग आता है एक बार आएगा ही है, मतलब लामाहट्टा इतना फेमस हो गया है। ऊपर हम लोग एक पोखरी भी है जो पोखरी मतलब पॉन्ड है, लोग उधर भी जाके थोड़ा फोटो भी खींचता है और पाइन व्यू भी बहुत ही अच्छा है। तो इसी का सबसे लेके मतलब सभी के साथ अच्छा ही सीनरी भी अच्छा है, यहाँ से कंचनजंगा भी पीछे दिखता है, तो इसीलिए लामाहट्टा बहुत फेमस है दार्जिलिंग में। सीसीटीभी अपरेटर, सीसीटीभी सर्टिफिकेट होल्डरको निम्ति भ्याकेन्सी खोलिएको छ। स्यालेरी 2267 AED, ड्युटी 12 आवर्स, 6 डेज वर्किङ, एकोमोडेसन ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनीद्वारा व्यवस्था गरिनेछ। उमेर 22 देखि 40 वर्षसम्म। यसरी नै सेक्युरिटी गार्ड 16 जुलाई 2017 यता सिरा होल्डरको निम्ति स्यालेरी 2267 AED, नो भिजिबल ट्याटु अलाउड, इन्टरभ्यू अघि नै कम्प्लिट डकुमेन्ट चाहिनेछ। अन्तर्वार्ता आगामी 7 जुनको दिन हुनेछ। कन्ट्याक्ट फ्युचर भिजन कन्सल्टेन्सी नियर इस्कन मन्दिर सिलगढी।